शीला दीक्षित से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मिले हैं। राजपाल यादव ने मुलाकात को निजी मुलाकात बताया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, लगातार राजनेताओं से फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के मिलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो राजनीति में आ चुके हैं और इसी को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। शीला दीक्षित से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मिले हैं और फिलहाल राजपाल यादव ने इस मुलाकात को खुद निजी मुलाकात बताया है। बड़ी खबर इस वक्त की, शीला दीक्षित से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मिले और राजपाल यादव ने फिलहाल खुद इस मुलाकात को निजी मुलाकात बताया। हालांकि ऐसे में जब लोकसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में तमाम जो फिल्म स्टार्स हैं वो राजनेताओं से मिल रहे हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में इस मुलाकात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल खुद राजपाल यादव ने इस मुलाकात को निजी मुलाकात बताया है। ये आपको ऐसा लगता है कि मीटिंगें चल रही हैं? जैसे शीला दीदी जो है, मैं जब यहाँ पे एनएसडी पढ़ता था और मैं उनसे लगातार, मेरे ऐसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं जो अभी चुनाव की वजह से आप लोगों को पता लग रहे हैं, वैसे मैं हमेशा ऐसे मिलते मुस्कुराते रहता हूँ। आपको कैसे लगा? हमारे सहयोगी तरुण कालरा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तरुण, क्या मान्य निकाले जो है राजपाल यादव की मीटिंग के शीला दीक्षित से? देखिए, किसी भी लिहाज से चूंकि राजनीतिक चीजें काफी डेवलप हो रही हैं और किसी भी बड़े अभिनेता का इस तरह से किसी राजनेता से मिलना राजनीति से अछूता नहीं हो सकता, इसके सियासी मायने जरूर निकल भी रहे हैं। राजपाल ने यहाँ पर साफ किया है कि उनकी ये जो मीटिंग थी वो पर्सनल मीटिंग थी, व्यक्तिगत संबंधों के कारण वो पहले भी शीला दीक्षित से मिलते आए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वो खुद ही बता रहे हैं कि आपका अगला प्रश्न यही होगा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो राजपाल यादव ने साफ कहा है कि वो चुनाव अगर लड़ेंगे तो सिर्फ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ इतना भर ही इसका बयान था राजपाल यादव की मीटिंग का आधिकारिक तौर पर। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से या फिर शीला दीक्षित की तरफ से कुछ ऐसी कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि राजपाल यादव को कंसिडर किया जा रहा है किसी लोकसभा सीट के ऊपर। अभी शायद बहुत ही इनिशियल लेवल की ये मीटिंग थी जो पब्लिक स्पेस में आई भी है। राजपाल यादव अगर फिर से मिलते हैं और उनकी गतिविधियां और ज्यादा सक्रिय दिखाई पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कयास लगाए जाएंगे कि राजपाल यादव की उम्मीदवारी काफी जोर पकड़ रही है और कांग्रेस पार्टी उन्हें आजमा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसे सूरत हाल बनते हुए नहीं दिख रहे। तरुण, पार्टी सूत्रों का क्या कुछ कहना है? क्या वाकई ये मुलाकात निजी थी या फिर किस तरह से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है? देखिये, पार्टी जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता आला कमान से, क्योंकि दिल्ली इकाई के सिर्फ कहने भर से किसी का टिकट कंफर्म नहीं होता है और राजपाल यादव ऐसे भी बहुत बड़ी स्टारडम वाले नेता नहीं है कि जिनके ऊपर अगर दाव लगाया जाए तो विनेबिलिटी पूरी तरह से इंश्योर हो सकती है। तो अभी कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है क्योंकि उनको लगता है ये इनिशियल लेवल की चीजें हैं। अगर उनका नाम कभी टॉस किया गया और आला कमान को वो लाइकेबल चेहरा लगा कि ये हमें सीट जितवा सकते हैं तो स्ट्रॉन्गली उनका नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर उनके सूत्र भी हमें देना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम जानकारी के लिए।